वेलकम गाइस, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फिजिक्स का जो टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। यहाँ से क्वेश्चन बनता है श्योर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा आपको बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये लूप है आपका, अब चुंबक आप मान लो इसे दूर ले जा रहे हो, इसमें किस डायरेक्शन में धारा बहेगी आपको बताना है, और जिसको पता होगा वो तो इसको इजीली बता देगा दूर ले जाने पर क्या होता है, पास लाने पर क्या होता है। मैंने आपको बताया बेटा हमारे जेकलोन जॉब चैनल पर, ठीक है, लिंक नीचे दिया हुआ है इस चैनल का, वहाँ पर हमने बता चुके थे। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले आप चुनो वामावर्ती दक्षिणावर्ती, कभी वामावर्ती कभी दक्षिणावर्ती। सो आपने चूज कर लिया होगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वामावर्ती, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये आपका चुंबक है, ये आपका एन है, ये आपका एस है, ठीक है, और ये आपका लूप है तार का। अगर मान लो गाइस, अगर आप इसके पास में ला रहे हो ना तो ये इसका विरोध करेगा, यानी कि इधर एन बनेगा फिर, ठीक है, एन बनेगा क्योंकि पास आ रहा है तो विरोध कर रहा है। अगर मान लो आप इसको दूर लेके जा रहे हो, ये आपका एन है, ये आपका एस है, ठीक है, इसको अगर आप दूर लेके जा रहे हो तो इसमें क्या होता है, इधर लेके जा रहे हो, पास में तो विरोध कर रहा था, अब दूर में क्या बनाया गया है, ये इधर आपको, जैसे मान लो आपका एन है और ये। सो गाइस, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसका विरोध करता है, ठीक है, ये आपका एन, ये आपका एस, ये आपका एन, ये आपका एस, ये लूप मान लो इसमें पास ला रहे हो तो ये विरोध करेगा, एन बनेगा। अगर मान लो इसको दूर ले जा रहे हो तो ये कहेगा पास आ जाओ, सॉरी, ये अगर पास आ रहे हैं तो इसका विरोध करेगा, यानी कि एस बनेगा इसमें, ठीक है, और अगर इधर जा रहा है दूर तो इन्हें एन बनेगा, पास आने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो एक तरह से विरोध कर रहा है, ठीक है। अगर इसको पास लाएंगे तो इसमें एस बनेगा क्योंकि विरोध करेगा, और इसको दूर ले जाएंगे तो इधर एन बनेगा, यानी कि पास आने के लिए बोलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, चालक और चुंबक के बीच आपेक्षित गति हो। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहले आपको चूज कर लेना है, आई होप आपने कर लिया वन ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चालक और चुंबक के बीच आपेक्षित गति हो। नेक्स्ट, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है उच्च धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, प्रबल धारा निम्न विद्युत वाहक बल, निम्न धारा निम्न विद्युत वाहक बल। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है प्रेरण कुंडली से। क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है, किसी भी टॉपिक में चाहिए टॉपिक बता सकते हो, किस टॉपिक पर हमको एमसीक्यू चाहिए हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा बी एल वी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, या फिर सुनने इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ज़िंदगी भर आपके काम आने वाले हैं। अन्य प्रेरणा यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन का ऐसा मात्रक है, हेनरी, ओम, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। अन्यन्वय प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन कैसा है मात्रक? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला है, हेनरी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? लेंज का नियम, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम, एम्पियर का नियम, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? और नियम तो आपको सारे मालूम होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफ़ी सारे लॉ है वो आपको पता होना चाहिए, बेगाव जी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है,
और बहुत सारे न्यूमेरिकल नियमों के ऊपर ही डिपेंड होते हैं सारे, जैसे कूलम का नियम हो गया है ना, बहुत सारे नियम हो गए उसके अकॉर्डिंग आपको निकाल होता है, लोरेंज नियम, बहुत सारे नियम है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, लेंस का नियम। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय प्लक्स का ऐसा मात्रक नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय प्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने, आपको बस वन ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कीजिए सिलेक्ट ईमानदारी से ताकि आपको भी पता लग सके कि आप कितनी गहराई में हो। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हैं जी, ठीक है, चुंबकीय प्लस का ऐसा मात्रक नहीं है, ये नहीं है, बाकी के सब है, ठीक है, चुंबकीय प्लस का ऐसा मात्रक। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, सो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका, ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल डीसी, केवल एसी, एसी और डीसी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ट्रांसफार्मर आप सबने देखे होंगे, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, केवल डीसी। गाइस ट्रांसफार्म कार्य करता है, देखो इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ठीक है, ट्रांसफार्मर एसी भी काम करता है, डीसी भी नहीं करता, आप मेरे ख्याल से एसी भी करना चाहिए, एसी भी करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, डीसी पे नहीं होना चाहिए, बट आपका क्या आंसर है आप कमेंट करके बता सकते हो, एसी पे होना चाहिए, प्रत्यावर्ती धारा पे काम करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, बट आपका क्या मत है आप कमेंट करके बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एसी आएगा इसमें वैसे बेसिकली, कुछ आंसर क्या है मिस प्रिंट हो जाते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रख रहा करो गाइज, आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, हो जाता है जल्दीबाजी में मिस प्रिंट। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्न में से कौन सा है, मुलायम इस्पात, तांबा, स्टेनलेस स्टील, अल्निको। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, मुलायम इस्पात। अगला क्वेश्चन, और जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि आपको तो कुछ नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर PDF जो लिंक होते हैं नोट्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो हम वहाँ पर अवेलेबल करवाते रहते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन हो एग्ज़ाम से रिलेटेड वो वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं, हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत रक्त धारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, औसत मान। नेक्स्ट, किसी ऊंचाई यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में N1 N2 लेफ्ट है, तब क्वेश्चन को समझो पहले, किसी ऊंचाई यानी कि सेटअप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लेफ्ट है, तब N1 ग्रेटर देन लेस देन आप देख सकते हो इज इक्वल टू, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, N2 N1, ऑप्शन बी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, हमारा एक और चैनल है JK लोन जॉब, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। उधर तल में चालक तार की वर्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसके ओर एक छड़ चुंबक लाया जा रहा है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर, चुंबक की तरह से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा आपको बताना है, दिशा तो काफ़ी बार पूछी जाती है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पढ़ेगा पहले, धारा की दिशा होगी वामावर्ती, दक्षिणावर्ती, पहले वामावर्ती, पुनः दक्षिणावर्ती, पहले दक्षिणावर्ती, या फिर पुनः वामावर्ती, समझे और इसका टिक लगाइए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वामावर्ती, ठीक है। देखिए गाइज, किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, सीधा कमेंट कर देना ताकि आने वाले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन आपको बता सके। एक सीधी चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर कैसे स्थिर रखा गया है, इमेजिनेशन पे काम क्या करो, जैसे कोई क्वेश्चन चल रहा है, अमेजिंग क्या करो, सोचा करो कि क्या हो रहा है, ठीक है,
जैसे कि एक सीधा तार, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक सीधा तार, छड़ चुम्बक पूर्व पश्चिम दिशा नीचे आपके, ठीक है, तो ऐसे चलना चाहिए। इससे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा, शून्य रहेगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, कि दिशा बदलती रहेगी। सो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन बी, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र के प्लक्स की एसआई मात्रक होती है, चुंबकीय क्षेत्र के प्लक्स की एसआई इकाई होती है टेस्ला, हेनरी, वेबर, जूल सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र के प्लक्स की एसआई इकाई होती है टेस्ला, हेनरी, वेबर, जूल सेकंड। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने चूज कर लिया होगा वैसे बेसिकली, वेबर। टॉपिक बता सकते हो कि इस टॉपिक पे चाहिए, जीके के भी क्वेश्चन चाहिए तो बता देना, जीके आपके ज़िंदगी भर काम आएगी अगर जीके पढ़ना चाहते हो तो। डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबक तत्व पर, प्रेरित विद्युत पर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। एक वर्ताकार लूप की त्रिज्या आर है जिसमें आय धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र पर कितनी दूर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान वी फोन एट होगा। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है और इस क्वेश्चन को पहले आप रफ पेज में कीजिएगा और उसके बाद ऑप्शन चूज कीजिएगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, अंडर रूट थ्री आर। नेक्स्ट, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ में टी सेकेंड में चुंबकीय प्लक्स किसाय पर दिया हुआ है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। टी इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा होगी 0.4, 0.2, 2, 4। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 0.2। न्यूमेरिकल कीजिएगा और पेज में और उसके बाद आंसर मैच करवाइएगा, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, जाके फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है।